नमस्कार दोस्तों, ये मैंने TDS मीटर मंगाया है। इसके छोटे मोटे प्रयोग और अनबॉक्सिंग इस वीडियो में कर रहा हूँ। बाकी आगे आने वाले में वीडियो में मैं और इसकी वो बताऊँगा। अभी आप देख सकते हैं 0 से 50 तक वाले हाई प्योरिटी हैं, 50 से 100 वाले भी हायर प्योरिटी आ गई, और 100 से 300 प्योरिटी जनरल है, और 300 से 600 फर्निंग, और 600 से 1000 पुअर टेस्ट, और मोर देन 1000 अनफिट टू ड्रिंक। तो आप देख सकते हैं पानी पीना है, कौन सा नहीं पीना है, सब दे रहा है। तो आप इससे नाप सकते हैं RO का पानी, हर जगह का पानी कोई भी हो आप नाप सकते हैं। और इसमें केस भी दिया हुआ है, आप भी इसे मंगा सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती रेट में मिल रहा है अमेजन पे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको इसे एक पानी चेक करने के लिए मंगाना चाहिए। आगे मैं इसके आधारित विभिन्न कंपनियों पे बनाऊँगा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ये मैंने TDS मीटर मंगाया है। तो TDS मीटर पानी की शुद्धता अशुद्धता नापने के लिए प्रयोग होता है। इसको मैं काटता हूँ, ये सूरत से आया हुआ है। इसको मैंने मंगाया था, लगभग 220 या आसपास ही पड़ा है, कंफर्म रेट मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन ये 220 है, उसके आसपास पड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर और कुछ नहीं है, कोई रसीद नहीं जो भी है यहाँ पर है। और पैकिंग अमेजन वाले घटिया करने लगे हैं, जैसा कि साफ क्लूज वाले करते थे। तो ऐसा करेंगे तो इनके वापसी ज़्यादा आ जाएगा कि वो टूट फूट रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी वाले ने एक यहाँ पे TDS मीटर रखने के लिए बॉक्स दिया हुआ है, और ये वैसे तो ओवरऑल ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दिखाई दे रहा है, खुला हुआ है बिल्कुल। तो इसके कवर को थोड़ा और ठीक बनाना चाहिए था। तो इस TDS मीटर को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये है TDS 3, TDS प्लस टेम्परेचर, तो ये होल्ड टेम्परेचर ऑन ऑफ, तो ये सब टेम्प बताएगा कैसे यूज करना है। यहाँ भी पॉकेट में लगाने वाला दिया हुआ है। और उसके अलावा आप देखते हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से वो चेक करेगा। और इसके अंदर देखेंगे खाली है, तो शायद इसके अंदर पानी लेते हैं क्या, और इसके अंदर एक चीज़ निकला हुआ है, तो इसको देखते हैं। वाटर क्वालिटी TDS मीटर टेस्टर इसका नाम है। तो ऑनलाइन ये 1000-1200 का भी आता है, हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है कि वाट इज TDS, तो TDS का फुल फॉर्म दिया है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी जल पदार्थ में टोटल घुले हुए सॉलिड्स, मतलब ठोस पदार्थों के। यूज TDS मीटर 2 कैसे करना है, फीचर्स क्या हैं इसके, 3 ईयर लिमिटेड वारंटी है, तो तीन साल की लिमिटेड वारंटी है, तो क्या है कैसे नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ के बाद में जानेंगे। और इसको पहले कैसे यूज करें, ये सब मैनुअल यूजर जो दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद मैं यूज करूँगा, क्योंकि अभी इसको मैंने कभी यूज़ किया नहीं, और इसके ऊपर अभी मैंने वीडियो भी नहीं देखा। तो संभवतः इसमें बैटरी लगती होगी, तो इसका मैं ऑन ऑफ करके देखता हूँ। जी हाँ, ये ऑन हो गया, और मैं टेम्परेचर चेक करने के लिए दबाता हूँ। तो इस समय का टेम्परेचर ये 33.5 बता रहा है। इससे पहले मैंने एक टेम्परेचर वाला ख़रीदा था, तो उसका भी प्रयोग मैं करता हूँ, देखता हूँ कि इसके और उसके टेम्परेचर बताने में क्या फ़र्क आता है। आप देख सकते हैं 31.5 बता रहा है, और ये बता रहा है टेम्परेचर 30.5। तो कौन सही कौन गलत, इसका फैसला तो करना मुश्किल है, लेकिन ये जो है प्रोब के माध्यम से ज़्यादा सही बता पाता है। ये कहाँ से बताता हमें नहीं आइडिया है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बता रहा है। और ऑन ऑफ बटन से बंद करके यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों हमें लग रहा है ये बैटरी इसमें यहाँ से लगती होगी, मैं खोलने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये यहाँ से खुल जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं खोलकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ।
तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दो बैटरी लगी है। इसकी साइज क्या है इसको आप बाद में जब लगाना हो तो पढ़ सकते हैं, लगाने के लिए दुकानदार के पास ले जा सकते हैं कैसे है। और प्लस ये TDS मीटर में क्या है तो आप खुद देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिस्प्ले अंदर नज़र आ रही है, उसके अलावा कुछ सर्किट्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है तो दोस्तों, इस TDS मीटर से मैं नापने जा रहा हूँ आपका। नमस्कार दोस्तों, इस TDS मीटर से मैं अपना नापने जा रहा हूँ डॉक्टर एक्वा गार्ड के कंपनी के फिल्टर पानी को, जो कि हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर साहब के यहाँ लगा हुआ है, वहाँ से मैं ले आया हूँ। अब मैं इसको नापने चल रहा हूँ, देखता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 58 PPM बता रहा है, इसका मतलब सही है। दोस्तों अब ये मैं नापने जा रहा हूँ हमारे रूम पे जो फतेहपुर पानी की टंकी से सप्लाई आता है उसका TDS। तो आप देख रहे होंगे इसका TDS, जी हाँ, 380 काफ़ी ज़्यादा है, जो कि खतरनाक माना जाता है 100 तक ही, लेकिन अब पीना पड़ रहा है, क्या किया जाए।